आज मैं दिल्ली का दुर्भाग्य समझता हूँ। सर्जन भी विश्राम कर रहे हो, तीन बार कलेक्टर छतरपुर में भी फोन लगाया है, लेकिन एक विधायक होने के नाते कलेक्टर का फोन नहीं उठता। देख रहा हूँ विधायक उपस्थित होने के बाद डॉक्टरों की कोई भी व्यवस्था नहीं। मैं खुद शर्म अपने आप से करता हूँ। विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा और जिले की हालात पर बात करूँगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूँ कि आम जनता की क्या छतरपुर जिले में अफसरशाही किस तरीके से हावी है उसका उदाहरण तब देखने को मिला जब जिला अस्पताल में निरीक्षण करने बिजावर विधायक राजेश बबलू शुक्ला पहुंचे। उनके पहुंचने के काफी देर बाद तक ना ही सिविल सर्जन मौके पर आए और ना ही बार बार फोन करने के बाद कलेक्टर ने उनका फोन उठाया। आखिरकार मायूस हो गए विधायक तो उन्हें यह भी कहना पड़ा कि मैं खुद अपने आप से शर्मिंदा हूं। इतना ही नहीं, उन्होंने यह भी कहा कि यह छतरपुर का दुर्भाग्य है और इस मामले की शिकायत वो सीएम से करेंगे। वहीं विधानसभा प्रश्न लगाने की बात भी उन्होंने कही है। छतरपुर जिला अस्पताल में स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लेने बिजावर से भाजपा विधायक राजेश बबलू शुक्ला जिला अस्पताल पहुंचे और निरीक्षण किया, लेकिन ये क्या, यहाँ तो विधायक को बेबसी और मायूसी नजर आई। विधायक के अस्पताल में होने के बाद भी काफी देर तक ना तो सिविल सर्जन मौके पर पहुंचे और ना ही बार बार फोन लगाने के बाद कलेक्टर छतरपुर ने उनका फोन उठाया। फिर क्या था, विधायक जी का पारा चढ़ गया और कलेक्टर पर बात न सुनने के आरोप लगा दिए। इसी दौरान जब आनन फानन में सिविल सर्जन वहाँ पहुंचे तो विधायक ने उनसे ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टर की शिकायत भी कर डाली। मौजूद डॉक्टर ने अपनी सफाई देने का प्रयास किया तो विधायक डॉक्टर की बात काटते नजर आए और कलेक्टर को बुलाने की बात कही, और तभी ड्यूटी डॉक्टर ने विधायक से दो टूक शब्दों में यह तक कह डाला कि कलेक्टर को बुला लो, आपको अगर नौकरी खानी है तो वो भी खा लीजिए, कोई इशू नहीं है। हालांकि फिर सिविल सर्जन ने मामले को शांत कराया। विधायक राजेश शुक्ला का कहना था कि जब उनकी उपस्थिति में फोन लगाने के बाद मरीजों को इलाज नहीं मिल रहा तो आम जनता को इलाज कैसे मिलता होगा। उन्होंने मामले की शिकायत मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से करने की बात कही है। मतलब आज उसी दिन डॉक्टर कह रहा है कि रात को हड्डी का डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, सुबह इलाज होगा, मतलब आदमी मर जाएगा, लेकिन उसका इलाज कब होगा, सुबह। जी डॉक्टर बोल रहा है, जी कौन है डॉक्टर, मतलब उपलब्ध नहीं है मेरे पास हड्डी का डॉक्टर, मैंने कॉल कर दिया है। मैंने उपलब्ध नहीं बोला, मैंने सर उपलब्ध नहीं बोला। अरे मैं कलेक्टर को भी बुला रहा हूँ। कलेक्टर को बुला लीजिए सर, मेरे को कोई इशू नहीं है। ओके, आपको अगर नौकरी खानी खा लीजिए सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने ये आप मरीज आए थे, मैंने इनको एडमिट किया, दवाई भी दी गई, इनके साथ रिश्तेदार जो भी हैं उनको बाकायदा मैंने अर्जेंट कॉल लिखा है और सर से इनकी बात हो भी गई है, सर भी आ ही रहे हैं, मैं ऊपर पूछ के भी आया हूँ सर। सर एक मिनट, आप ये मेरी बात बताइए, आप लोग इनकी सुनेंगे कि हमारी सुनेंगे? जो मैं ऑन ट्रीटमेंट मैंने इसको एडमिट किया है वहाँ सिस्टर से भी मैं सर बात करके आया हूँ। यार मेरे भाई, मैं डेढ़ घंटे से खड़ा हूँ, एक घंटे से। मैं आपकी बात मानूँ सर, आप खड़े रहे, तुम कितने गंभीर डॉक्टर हो, हम देख रहे हैं। आम जनता की क्या हालत है, अभी विधायक खड़ा है, विधायक के बाद तुम लोग क्या रिस्पॉन्स दे रहे हो, आम जनता की क्या दशा है। ये कह रहे हैं हमारी पट्टी भी नहीं हो रही, ये देखो रोटी चावल, ये देखो पट्टी भी नहीं हो रही। जब आज अस्पताल आए हैं, क्या निरीक्षण? आज मैं जिले का दुर्भाग्य समझता हूँ। मेरे बिजावर से भी दो तीन मरीज आए और मैंने सिविल सर्जन से भी कई बार बात की है, और सिविल सर्जन भी विश्राम कर रहे हो, तीन बार कलेक्टर छतरपुर में भी फोन लगाया है, लेकिन एक विधायक होने के नाते कलेक्टर का फोन नहीं उठा है। तो मैं जी छतरपुर की दुर्दशा देख रहा हूँ कि छतरपुर जिले अस्पताल में क्या दुर्दशा है कि जब एक विधायक उपस्थित होने के बाद डॉक्टरों की और कोई व्यवस्था नहीं है तो आम जनता की क्या स्थिति होगी। मैं खुद शर्म अपने आप से करता हूं और मैं बहुत जल्दी मध्य प्रदेश के मुखिया और मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी तक इस बात को पहुंचाऊंगा कि छतरपुर शहर का दुर्भाग्य है और जिले का दुर्भाग्य है,
कि एक घंटे से मैं खुद खड़ा हूं, ना यहाँ सीएस है ना डॉक्टर है, केवल मरीजों की भीड़ है। और मैं बहुत जल्दी, या 19 तारीख से मेरी विधानसभा है, मैं विधानसभा में भी क्वेश्चन लगाऊंगा और जिले की हालात पे बात करूंगा। कलेक्टर रोज यहाँ दौरा करते हैं और खबरें छपवाते हैं, तो इसको लेकर क्या कहेंगे? मुझे भी अच्छा लगा था कि कलेक्टर छतरपुर में स्वास्थ्य के प्रति अच्छे आए हैं, लेकिन आज मैंने खुद 3 बार अभी फोन लगाया उनको, अभी रात को 11 भी नहीं बजे हैं, लेकिन एक विधायक का फोन भी नहीं उठा है। इससे बड़ा दुर्भाग्य मैं नहीं समझता हूँ कि आम जनता की क्या हालत हो।